वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी जो टेस्टी के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है, और वो है पालक पनीर कोफ्ते की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लें, ताकि मेरी जितनी भी न्यू रेसिपीज आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। पालक पनीर कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए पालक 250 ग्राम। यहाँ पे हमें पालक को एकदम बारीक काट के लेने हैं, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना बारीक काट लें। और यहाँ पे मैंने पालक को उसके डंठल के साथ यूज़ किए हैं, तो आप भी डंठल को फेंके नहीं, उसे भी यूज़ कर लें। पनीर 200 ग्राम, यहाँ पे मैंने घर के बने पनीर यूज़ किए हैं, आप चाहे तो बाहर का यूज़ कर लें। बेसन 50 ग्राम, 1/4 टीस्पून अजवाइन, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, 3 मीडियम साइज अनियन। यहाँ पे हम एक अनियन को बारीक काट के ले लेंगे, और बाकी के दो अनियन को मिक्सर ग्राइंडर में उसकी पेस्ट बना लेंगे ग्रेवी के लिए। 1 मीडियम साइज टमाटो, 1 तेज पत्ता और 1 सूखी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ड्राई कसूरी मेथी 1 टीस्पून, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून एंड ऑयल। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में कटे हुए पालक को ले लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे पनीर। पनीर को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्रश करके यूज़ करेंगे। इसमें फिर हम डालेंगे अपने कटे हुए अनियन, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे बेसन। अभी यहाँ पे हम पूरा बेसन यूज़ नहीं करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा बेसन हम बाद में यूज़ कर लेंगे। ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और थोड़ी सी ऐड करेंगे यहाँ पे अजवाइन। और फिर इस तरीके से हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि पालक में नमक डालने के बाद पानी जो है वो पालक से खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पे पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको एंड में लगता है कि थोड़ा सा पानी ऐड करना चाहिए, तो वो आप बिल्कुल एंड में करें, स्टार्टिंग में पानी बिल्कुल ऐड ना करें। यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच और बेसन ऐड किए हैं, और फिर से एक बार इसे हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हाथों की मदद से हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे, जब तक कि हमारा जो पालक है वो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पानी है वो पालक में से सेपरेट होने लगे हैं, और हमारा जो पालक है वो भी काफ़ी सॉफ्ट होने लगे हैं। यहाँ पे आप चाहे तो 2 से 3 बड़े चम्मच और बेसन मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से हार्ड कोफ्ते पसंद है तो 2 से 3 बड़े चम्मच और बेसन यूज़ कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा ऐड ना करें, नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। मुझे थोड़े से सॉफ्ट कोफ्ते पसंद है, इसीलिए मैंने बस इतना ही ऐड किए हैं। यहाँ पे पानी का यूज़ मैंने बिल्कुल भी नहीं किए हैं, तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो पनीर और पालक का जो मिक्सचर है वो पूरी तरह से रेडी हो गए हैं कोफ्ते बनाने के लिए। कोफ्ते को डीप फ्राई करने के लिए अब हम एक पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे। थोड़े से मिक्सचर को हम इस तरीके से हाथ में लेंगे, और उसे इस तरीके से राउंड शेप देने की कोशिश करेंगे, फिर उसे हम गर्म तेल में डीप फ्राई होने के लिए डाल देंगे। सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी सारे कोफ्तों को रेडी करेंगे, और इसी तरीके से हम गर्म तेल में डीप फ्राई होने के लिए डालेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब हम कोफ्ते को गर्म तेल में डालते हैं तो तेल हमारा जो है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर तेल गर्म नहीं होगा तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूट के बिखर जाएंगे। उसके बाद हम फ्लेम को फिर मीडियम टू हाई कर लेंगे। जो कोफ्ते हमने पहले डाले थे उसे हम इस तरीके से पलट लेंगे, नहीं तो क्या होगा कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो जल जाएंगे। बाकी के भी कोफ्तों को हम इसी तरीके से गर्म तेल में डीप फ्राई होने के लिए डालेंगे, और जो कोफ्ते हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं तो उसे हम पलटते भी जाएंगे। कोफ्तों को फ्राई करते वक्त फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, और आप देख सकते हैं कि जो कोफ्ते हमने पहले डाले थे वो पूरी तरह से रेडी हो गए हैं, तो इसे हम इस तरीके से एक प्लेट में निकालते जाएंगे। एक एक करके हमारे सारे कोफ्ते फ्राई होने लगे हैं, तो जो जो कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं उसे हम इस तरीके से निकालते जाएंगे, ताकि वो और ज़्यादा फ्राई ना हो सके।
अब हमारे लगभग सारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए हैं, तो उसे हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। किसी भी सॉस या फिर किसी भी चटनी के साथ इसे हम एज अ स्नैक्स भी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो सेम प्रोसेस से हम बाकी के भी कोफ्तों को इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को फ्राई करते वक्त फ्लेम को मीडियम ही रखें, और हमारे जो बचे हुए कोफ्ते थे वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इसे भी हम इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम अलग निकाल लेंगे, और यहाँ पे सिर्फ हम 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता और 1 सूखी हुई लाल मिर्च। फिर 10 से 20 सेकंड के लिए हम जीरा को ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अनियन के पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज अनियन को ग्राइंडर मिक्सर में पीस के इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर ली। अनियन को हमें यहाँ पे लाइट ब्राउन पिंक होने तक इसे अच्छे से फ्राई करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि अनियन की जो कलर है वो चेंज होने लगी है। अभी इसे हमें और फ्राई करना है जब तक कि अनियन के जो कलर है वो लाइट ब्राउन पिंक ना हो जाए। अब हमारा जो अनियन है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं इसकी जो कलर है वो लाइट ब्राउन पिंक हो गई है, तो इसे हमें इतना ही फ्राई करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने कटे हुए टमाटोज, और फिर इसे भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करने हैं जब तक कि हमारा जो टमाटो है वो सॉफ्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ बटर। बटर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना भी डालें, लेकिन बटर से कोफ्तों में खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा हमेशा बटर ऐड करती हूँ। अब यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लें, क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाले हैं तो थोड़ा सा हिसाब से ही नमक डालें। अब हमारे टमाटोज भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो उसमें अब हम डालेंगे अपने सारे मसाले। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर इस तरीके से मिक्स करते हुए हम सारे मसालों को 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि हमारे मसालों में से ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हमें मसालों को फ्राई करते हुए, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से कोफ्तों में एक बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, तो आप भी इसे ज़रूर डालें। 6 से 7 मिनट हो गए हैं मसालों को फ्राई करते हुए, तो हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी डाले हैं। यहाँ पे ग्रेवी को अच्छे से पकाना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे हम यहाँ पे ढक देंगे और ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसे पका लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, तो अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी थिक हो गई है, और इसकी जो कलर है वो भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और थोड़ा सा पका लेंगे, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। यहाँ पे हमें कोफ्तों को अब ग्रेवी में पकाना नहीं है, बस इसे हम एक बार इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हमारा जो पालक पनीर कोफ्ता है वो पूरी तरह से रेडी है। तो एंड में हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, और फिर हल्के हाथों से हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो कोफ्ते हैं वो टूटने लगेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो कितनी गाढ़ी हो गई है, तो हमारा जो कोफ्ता है वो पूरी तरह से रेडी है अब सर्व करने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, रोटी, पराठे, नान, राइस, ये सबके साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बाय बाय।